हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मी आर्ट क्रिएशन। मैं हूं आपकी दोस्त लक्ष्मी। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल राजस्थानी मिरर वर्क वॉल हैंगिंग लेके आई हूं, जो आप लोग मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे राजस्थानी मिरर वर्क वॉल हैंगिंग मैंने और भी बहुत सारा बनाया है, जिसका रिस्पॉन्स आप लोग ने बहुत अच्छा दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए फिर से और एक यूनिक सा और बहुत ही हटके डिज़ाइन में लेके आऊँ। तो देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल और कितना कलरफुल बना है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छा लगने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट हैं। तो बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए चलिए वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है और सेम साइज़ में हमें दो कार्डबोर्ड लेना है और उसे अच्छी तरीके से ग्लू लगा के हमें चारों तरफ मास्किंग टेप से इसे रेडी करना है। इसके बाद मैंने सेंटर में ऐसे एक डिज़ाइन बनाया है। सेम डिज़ाइन को हम लोग एक पेपर में बना के उसे कार्डबोर्ड में रख के फिर हमें इस तरीके का दो कार्डबोर्ड हमें रेडी करना है। तो देखिए मैंने इसे कटआउट करके मैं रेडी कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर पेंट करूँगी। यहाँ पर एशियन पेंट का इमर्शल जो पेंट होता है, मैंने वो पेंट यहाँ पर यूज़ किया है। जेसो के जगह आप लोग ये वाला पेंट ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जेसो जो होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। आप लोग सेम लुक और सेम फिनिशिंग आप लोगों को इस पेंट में मिल जाएगा और बहुत ही कम रेंज में, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद उसे ड्राई होने के लिए रखने के बाद मैंने यहाँ पर गोल्डन येलो कलर यूज़ किया है। तो देखिए ये वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग के पास अगर ये वाला कलर नहीं है, आप लोग लेमन येलो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक स्टेंसिल की ज़रूरत है। ये वाला मार्केट में मिल जाता है लेकिन मैंने अभी तक परचेस नहीं किया है, तो इसे हम लोग घर पर ही रेडी करेंगे। और आप में से ऐसे बहुत सारे होंगे जिनके पास अभी तक स्टेंसिल नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ड्रॉ करके ही आप लोगों को दिखाऊं। तो देख लीजिए बहुत ही इजी है इसका डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर दो साइज़ लिया है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर वीडियो में ये वाला स्टेप नहीं दिखाया है कि किस तरीके से मैंने इसे रेडी किया है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी एक शॉर्ट वीडियो। तो यहाँ पर मैं नेवी ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ सेंटर वाले डिज़ाइन के लिए। अगर आप लोगों को जो भी कलर अच्छा लगे आप लोग वही कलर यूज़ कीजिएगा। ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ आप लोग को सेम ही कलर यूज़ करना है। आप लोग इसमें आप लोग सेंटर वाले पार्ट में पिंक कलर भी कर सकते हैं, ऑरेंज भी कर सकते हैं, या डार्क ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। आप लोग का जो भी कलर अच्छा लगे आप लोग वही कलर यूज़ कीजिएगा। इसके बाद मैंने सेम स्टेंसिल निकाल के मैंने यहाँ पर लोटस भी रेडी कर लिया है। इसे भी मैंने पेपर से ही बनाया है और इसके बाद मैंने इसके ऊपर वाइट पेंट कर दिया है ताकि जो भी मैं इसमें कलर यूज़ करो वो निखर के आए। तो यहाँ पर मेरा वाइट पेंट कंप्लीट हो गया है। अब मैं लोटस के एजेस में रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, डार्क रेड कलर। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर को कंप्लीट कर लिया है। अब सेंटर वाला जो है लोटस का, यहाँ पर मैं सैल्मोन कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग रेड और वाइट कलर को मिक्स करके भी ये कलर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे मिक्सिंग करूँगी। इसके बाद मैं लोटस के जो आउटलाइन है उसे मैं रेड कलर से इसको कंप्लीट करूँगी। तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसे ही ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लग रहा है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद मैं इसके लुक को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए और भी इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर मिरर यूज़ करूँगी। तो मिरर यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के हैं, तो मैं उनका यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं इसके लुक को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं यहाँ अगरबत्ती के, मेरे पास सामने डब्बा पड़ा हुआ था तो नीचे का जो एरिया है मुझे खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कटआउट करके मैं इसे पेस्ट करती हूँ। तो देखिए ये छोटा सा जो एलिफेंट है इसकी जो लुक को और भी ब्यूटीफुल बना देगा।
अगर आपके घर में भी ऐसे अगरबत्ती के डब्बे में डिज़ाइन या कुछ भी बना हो ना, आप लोग उसका कटआउट निकाल लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आज का लुक कैसा लगा आप लोगों को, ये राजस्थानी मिरर वर्क, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कंप्लीट होने के बाद, कितना कलरफुल लग रहा है। आप अपने इसे एक अपने रूम पे या अपने गार्डन पे या अपने बालकनी में इसको आप लोग क्रिएट करके ज़रूर सजाइएगा। बहुत ही इसके जो कलर हैं, इतने सारे कलर हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा है। और पहले जो भी मैंने राजस्थानी मिरर वर्क के ऊपर और भी क्राफ्ट बनाया है, आप लोग ने उसे इतना पसंद किया है, इतना प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इस टाइप के और भी मिरर वर्क अगर देखना है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, राजस्थानी मिरर वर्क वॉल हैंगिंग। मैं उसमें बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के आप लोगों को वॉल हैंगिंग वहाँ पर प्रेजेंट की हूँ, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसे DIY, ऐसे क्राफ्ट और ऐसे आइडिया देखने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए आइडिया के साथ, नए DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।